बहुत से ऐसे दिग्गज नेता तो कहा करते थे कि यदि ऐसा होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। सबसे पहले तो बधाई भी देनी है और धन्यवाद भी करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जो 60-70 वर्ष से ना कभी हुआ ना कभी किसी ने गुमान किया कि ऐसा हो सकता है, बल्कि बहुत से ऐसे दिग्गज नेता तो कहा करते थे कि यदि ऐसा होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन आपने देखा जो घटनाक्रम चला 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक परिवर्तन आए और उसके उपरांत फिर 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को यूनियन टेरिटरी घोषित हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पर इसलिए उसी श्रृंखला के अंतर्गत एज ए सीक्वल ऐसा ही होना था। बल्कि प्रश्न तो ये है कि 70 वर्ष ऐसा क्यों नहीं हुआ? जिस प्रकार का एक कानून, जिस प्रकार की व्यवस्था देश भर में थी, देश के प्रत्येक राज्य और यूटी में थी, जम्मू कश्मीर को उससे वंचित क्यों रखा गया? मुझे विश्वास है इतिहासकार और आने वाले समय में विश्लेषक इस प्रश्न को ढूंढेंगे और इसके जिम्मेवार लोगों की भी खोज करेंगे। और विडंबना ये कि 70 वर्ष से रह रहे पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए हमारे ही नागरिक अपने आप से को नागरिकता के अधिकार से वंचित किए हुए थे। यहाँ तो आज आलम यह है कि यदि आप विदेश चले जाएं तो कुछ वर्षों के बाद वहाँ पर भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है, नागरिकता प्राप्त हो जाती, यहाँ नहीं मिल रही थी उनको। ना उन्हें अपने राज्य में वोट डालने का अधिकार था, ना नौकरी लेने का। इसी प्रकार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, एक और तो हम मानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर हमारा ही हिस्सा है, वो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ से आए हुए भाई बहनों को आपने अभी तक पूरे अधिकार नहीं दे रखे थे, बहनों को आपने वंचित किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि जो IAS ऑफिसर, जो कि मैं DOPT से भी ताल्लुक रखता हूँ, IPS ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिस, प्रत्येक राज्य में ये व्यवस्था है कि जो व्यक्ति 30-35 वर्ष अपनी सेवा देता है पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ और प्रतिबद्धता के साथ जिस प्रदेश में जिस राज्य में, उसे वहाँ पर रहने का अधिकार होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन यहाँ नहीं था और ना ही उसके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, बल्कि कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स को काडर अलॉट होते ही मकान निर्माणित करने के लिए ज़मीन का प्लॉट दे देते हैं, लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल उलट था। तो कुछ एक लोगों ने अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए आम आदमी को उसके अधिकारों से वंचित रखा था।